जगराऊं दे एक प्राइवेट स्कूल दे खिलाफ मापे ने कीता रोस प्रदर्शन। जगराऊं तो ब्यूरो चीफ दे नाल रिपोर्ट चरणजीत सिंह अदे कैमरामैन प्रदीप दी रिपोर्ट। जगराऊं दे एक नामी प्राइवेट स्कूल दे खिलाफ मापिया ने इकट्ठे होके कीता रोस प्रदर्शन। फीस दे सकते हैं, इस तो बिना जो सब तो स्कूल मंग कर रहा कि असं डिवेलपमेंट फंड लवेंगे ज होर मिसलेनियस खर्चे लवेंगे। अभी तो यहाँ इस दिन मिले थे 1 तरीक न डिवेलपमेंट फंड डिवेलपमेंट तुम अपनी रोक भी सकते हो, कोई ऐसी गल नहीं कि बाकी लोग परेशान आ। जो लोगों की इनकम बंद हुई है तो 1 साल के लिए, जो ताकि इनकम बंद होंगी है या घटती है तो वो कोई इन्ना मैटर नहीं करना चाहिए। तो दूसरी गल ये है कि इन्होंने हम धक्केशाही स्टार्ट करती, कहें जी जे तो 1 तरीक तक फीसा दे दोगे फिर तो ऑनलाइन क्लासिज जारी रहनगियां, नहीं तो तुम्हें वो ब्लॉक कर दिता जाऊगा। दूसरी गल इन्होंने एक दिन नोटबुक्स आ जड़िया उन्होंने चैक करने के नाते कि ताड़िया नोटबुक्स चैक की जानियां बच्चों दिया जो होमवर्क करते हैं तो वो स्कूल के मंगवा लिया, हालांकि वो साड़िया अपन परचेज की हुई नोटबुक तो उन्होंने स्कूल के मंगवा के एक तरह इन्होंने जब्त कर लिया कि ये तुहानू तां वापस मिलनगियां जे तुसीं फीस फुल फीस पे करोगे, नहीं तो हुण तुसीं दसो जदों बच्चों के कोल नोटबुक्स नहीं हैगियां बच्चे पढ़ाई कहदे ते करनगे घरे। तो जां चलो असीं ये कहिंदे कि नोटबुक्स तुसीं सानूं दित्तियां वा, असीं पैसे नहीं दित्ते तुसीं रख लईआं ठीक आ, असीं बाजार तो खरीदियां नोटबुक्स जिहड़ियां इन्हां ने जब्त कर लईआं फीसां दे नाते। तो बस असीं तां इही मंग करदे आ कि असीं सिर्फ ट्यूशन फीस दे सकदे आ, वो सातों लै लैण असीं अज पे करांगे क्योंकि इन्होंने भी टीचर दिन सैलरिया देनिया असी ट्यूशन फीस के नाल दित्तियां जा सकदियां ठीक है। तो दूसरा इन्होंने जिहड़ी जिहड़ियां फीसां होर मंग रहे आ जां धक्केशाही कर रहे आ, जे इदां ही चली गया तो पहले दिन असी 30-40 लोग आए सी, अज असी 200 लोग आए आ, कल 2000 भी हो सकते हैं। तो यह संघर्ष आ जिहड़ा स्कूल लैवल तो उठ के उपर तक भी जा सकता है। मेहरबानी जी ठीक स्कूल सानू बार बार परेशान ना करे इस चीज़ से, जिहड़े पेरेंट्स फीसां दे सकते सी उन्होंने कुछ ने दे भी दित्तियां, सानू कोई मैटर नहीं करता। हाँ जिहड़े नहीं देना चाहुंदे वो अज तुसीं देख ही रहे हो कि इन्ना भारी इकट्ठ होया इत्थे, वो इस करके होया क्योंकि स्कूल ने धमकी दे दित्ती कि जे तुसीं 1 तरीक तक फीसां नहीं देंदे तां तुहाडियां ऑनलाइन क्लासिज बंद कर दित्तियां जाणगियां। तो जिहड़ियां नोटबुक सीगियां बच्चों दियां वो इन्होंने चैक करवाण दे नाते स्कूल च मंगवा लईआं ते वह वापस नहीं कीतियां गईआं, बच्चे काम कहदे ते करनगे करे जदों उन्हां कोल नोटबुक ही है नहीं गियां। तो यह कहें जी जिहड़ा बंदा फीस दे के जाऊगा उहदियां नोटबुक्स असीं दे देंगे, बाकियां दियां क्लास जाणी जिहड़ियां नोटबुक्स हैगियां उह तुसीं अपने पैसों से परचेज कीतियां जां स्कूल ने दित्तियां तुहानूं जी? वो असीं अपने पैसों से परचेज कीतियां जी, वो साडियां एक तरह का जिद्दां कहिंदे कि एक एक धक्केशाही है कि साडियां आपदियां नोटबुक इन्हां ने इत्थे जब्त करके रख लईआं कि फीस दवोंगे तो तुहानूं मिलणगियां नहीं तो यह नहीं मिलणियां। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦਿਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਫੀਸਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ 200 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 400 500 1000 2000 ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀ ਹੋਰ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਫੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਡਿਊ ਟੂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘਾਟੇ ਪਏ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜੋ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ।